हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट पीडिया। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कितना इस बार कट ऑफ जा रहा है। ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज कर दिया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची ने, और ये फर्स्ट लिस्ट वालों का कट ऑफ है। अगर आप इतना कट ऑफ के अंडर आते हैं तो आपका एडमिशन श्योरली हो जाएगा, और अगर आपका कम मार्क्स आया है तो आप टेंशन मत लीजिए। ये चार लिस्ट निकालती है और ये फर्स्ट लिस्ट है, इसमें आपको एडमिशन 18 तारीख को मिल जाएगा। 18 तारीख जून 2019 आपको तब तक एडमिशन लेना है, ये लास्ट डेट भी है, आपको तब तक लेना है। उसके बाद ये सेकंड लिस्ट रिलीज करती है, फिर सेकंड लिस्ट के बाद थर्ड लिस्ट और फोर्थ लिस्ट भी रिलीज करती है। तो अगर आपका मार्क्स फर्स्ट कट ऑफ के अंडर नहीं आता है तो आप टेंशन मत लीजिए, आपका सेकंड या थर्ड या फोर्थ में आ जाएगा। क्योंकि कट ऑफ सबका हाईएस्ट नहीं रहता है, ये 60 तक जाती है। अगर आपका मार्क्स हाईएस्ट है 60 तो आपको एडमिशन इजली यहाँ पर मिल रहा है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं कुछ कैटेगरीज़ की बात करूंगा जिसको अलग अलग जिसका कट ऑफ जा रहा है। यहाँ पर ओपेंस जो जनरल आते हैं कैटेगरी में, जनरल्स उनके लिए है। इड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सेकंड है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो वो जो है वो जनरल्स के लिए है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं। और बता दूँ कि ये नया है, अभी दिया जा रहा है गवर्नमेंट के तरफ से, तो इसका सर्टिफिकेट आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया होगा तो इसके लिए अप्लाई कर लीजिए। आप लोगों ने आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके, आपके ब्लॉक या जो होंगे जिला में वहाँ जाकर इसको अप्लाई करना है। ये आपके लिए, अगर आप इसके अंडर आते हैं तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इनकम इसका 8 लाख है, और कुछ क्राइटेरिया आपको इसकी जानकारी मैं दे दूँगा। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए हो तो कमेंट में ले लीजिएगा। यहाँ बैकवर्ड कास्ट 1 है, बैकवर्ड कास्ट 2 है, ST है, SC है, PH कैटेगरी और डिफेंस। डिफेंस में उनके वो कैटेगरी आ जाएंगे जिनके फैमिली में कोई डिफेंस में, या माता पिता डिफेंस में काम करते हैं, आर्मी में है, तो उनका जो है वो कैटेगरी है ये, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अदर स्ट्रीम जैसे कोई BSc से है या BCom से है और आना चाहता है BA में, तो उनके लिए जो है वो यहाँ पर कट ऑफ जा रहा है। और BPL फैमिली से बिलो पॉवर्टी लाइन में जो बिलोंग करते हैं उनका भी कट ऑफ यहाँ पर अलग रहेगा। और कुछ सब्जेक्ट्स में आपको सिर्फ 45% ओवरऑल चाहिए एग्रीगेट, और आपको एडमिशन वहाँ पर मिल जाएगा। ज़्यादातर वो लैंग्वेज के सब्जेक्ट है, और जैसे एंथ्रोपोलॉजी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, ये सब में आपको 45 एग्रीगेट चाहिए आपको एडमिशन लेने के लिए। आप एक बार ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर BA इकोनॉमिक्स में कितना कट ऑफ जा रहा है किसका, BA ज्योग्राफी, BA हिंदी, BA हिस्ट्री, और BA मैथमेटिक्स में जनरल्स के लिए है 85, एक मार्क्स कम है इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो है उसके लिए। BC1 के लिए 83, और सेम है BC2 के लिए भी 75 75 आपका ST और SC के लिए है। फिलॉसफी में भी आपको 45% चाहिए सिर्फ। पॉलिटिकल साइंस में आप यहाँ पर कट ऑफ देख सकते हैं कितना, 70 जा रहा है जनरल्स के लिए, और वीकर सेक्शन के लिए 64 है, और 65 यहाँ पर आपका BC1 के लिए और BC2 के लिए, 64 62 है ST और SC के लिए। और यहाँ पर आप देख लीजिए बॉटनी में कितना जा रहा है, और केमिस्ट्री में, जूलॉजी में, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, जूलॉजी में। तो ये जो हाईएस्ट है आपका कट ऑफ है, आप अगर इसके मार्क्स लाते हैं 87 एंड एबव या कुछ भी जो यहाँ कट ऑफ में दिया गया है, पर आपको इससे ज़्यादा लाना है तो आपका एडमिशन यहाँ फर्स्ट लिस्ट में हो जाएगा। जो 18 तारीख जिसका लास्ट डेट है, आप एडमिशन उससे पहले लेने की कोशिश कीजिए 18 तारीख से पहले, क्योंकि बाद में एडमिशन मिलने में दिक्कत होता है, क्योंकि कॉलेज को सेकंड लिस्ट भी तैयार करने होते हैं, आपके एडमिशन के बाद ही उनका लिस्ट तैयार होता है। और अगर आपका नाम इस पर नहीं आ रहा तो मैं फिर से कहूँगा कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ आपका नाम ज़रूर आएगा अगर आपका मार्क्स अच्छा है 60 एंड एबव है तो। किसी किसी का कट ऑफ हाईएस्ट चला जाता है जिसको 70 तक जाता है, तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, उस पर भी आ जाएगा आपका नाम, क्योंकि फोर्थ चार लिस्ट कॉलेज जारी करेगी, उसमें नाम आने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। आपको कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी फ़ी स्ट्रक्चर डाल दूँगा कि कितना फ़ी, किसके लिए कितना फ़ी लग रहा है। और अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं बहुत सारी वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ एजुकेशन से रिलेटेड, स्कॉलरशिप से रिलेटेड, और आपकी जो रिक्वेस्ट रहती है उससे रिलेटेड, इसलिए आपको ये मेरा चैनल बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।